हरदोई के रंडियावा थाना क्षेत्र में अंडे का ठेला लगाने वाले युवक की घर वापसी के दौरान बीच रास्ते में बेरहमी से हत्या कर दी गई और शव को सड़क के किनारे फेंक दिया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम और एएसपी ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। वहीं एएसपी ने बताया कि सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। मामला कुछ नहीं सर, एक दिन पहले वो ठेका पे लड़ाई हुई थी तो उसमें गुड्डन और सो भी कैंटीन में लड़ाई थी। गुड्डन सोभिन और हरविलास मेरे मारो है, भैया दुकान पर होते तो भैया ने तो कहें कि मारो ना, तो भैया ने धक के दिन कह दारू पी के लड़ाई ना करो घर जाओ तुम तो इतने में चले उधर से घर आए, घर में कुंडी खटकाए तो हमने मम्मी से खिड़की से देखी तो मम्मी ने गेट खोले, मम्मी कहें भाभी भाभी तो हमें मारो है तो कहें हमें भाई रिपोर्ट करी हो जाए, तो मम्मी ने रिपोर्ट करे हो जाओ रिपोर्ट करी दे जाए हमें अंदर करवाई दे। इनको जो है कल शाम को करीब 11 बजे इनके गांव के दो व्यक्तियों ने, पप्पू और रघुवीर ने और तीन और अन्य अज्ञात लोगों ने, इनकी चाय पकौड़ी की दुकान है वहां पे एक देसी शराब का ठेका है टड़ियावा थाने में, और वहां पे कुछ लेन देन को खाने पीने के लेकर मारपीट हुई थी, जिसको लेकर कल इन लोगों ने डंडे से पीट के सर में इनको मारा और जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, आज पोस्टमार्टम होकर बॉडी आई है। तो इन लोगों ने मुआवजे की मांग को लेके कि गरीब परिवार है, बच्चे छोटे हैं, उस वजह से इन्होंने शव को सड़क पर रख के थोड़ी देर जाम किया था। एसडीएम सदर द्वारा समझाया बुझाया गया और आश्वस्त किया गया कि आर्थिक सहायता दी जाएगी और जाम। कासगंज के ढोला कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने जुआ खेलते 36 जुआरियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। वही पुलिस ने गिरफ्तार जुआरियों के कब्जे से नकदी, 19 मोबाइल, 22 बाइक, 1 किलो गांजा, 4 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जुआ सट्टे की जितनी भी शिकायतें पुलिस को प्राप्त हुई है, ताबड़तोड़ उस पर न दबिश न डाल के कई सारी इस तरीके की कार्रवाइयां की जा रही है। कल जो है एक विशेष टीम बनाकर सीओ सहावर, सीओ सिटी इनके नेतृत्व में, कुछ अन्य थाना अध्यक्षों के नेतृत्व में टीम जो है वो बनाई गई थी और एक जगह पे जहां पे जुआ हो रहा था लगभग 35 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। कुछ तमंचे वहां से न प्राप्त हुए हैं, साथ ही में लगभग 1.25 लाख रुपए उसमें न प्राप्त हुए हैं, 20 बाइक और अन्य चीजें इसमें से प्राप्त हुई है। इनके पर उचित धाराओं में कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। जौनपुर महाराजगंज थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसी मां बेटी की इलाज के लिए वाराणसी जाते समय रास्ते में मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे मायके वालों ने ससुराल वालों पर जलाकर मारने का आरोप लगाया है। मृतका के पिता ने महाराजगंज पुलिस को लिखित तहरीर देकर मृतका के ससुराल वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है।